अभी हमने जो स्क्रीन पे डबल टेप लगाई है और जो ये बीजल है इसके चारों साइड हमने डबल टेप लगा देनी है ताकि जब लगाएं तो वो प्रॉपरली सील हो जाए स्क्रीन के साथ। ये हमने साइड की केबल्स का ध्यान रख के फिर इसके ऊपर रख के हमने प्रेस कर देना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। ये देखिए जैसे जैसे आप अटैच करेंगे इसे धीरे धीरे प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना कि स्क्रीन ना क्रैक हो जाए आपकी। जैसे प्रेस करेंगे इसकी साउंड सुनाई देगी लॉक होने की। चारों साइड से हमने प्रेस कर लेना है इसको। केबल्स का ध्यान रखना है, राइट साइड में एंटीना की केबल्स है और लेफ्ट साइड में डिस्प्ले केबल है। अभी हमने इसके ऊपर मदरबोर्ड फिक्स करना है, जो नीचे का टच पैड और मदरबोर्ड है इसको हमने हिंज वाली साइड से ध्यान से लगाना है, क्योंकि जो पहले केबल्स है केबल्स को अंदर करके फिर हिंज इसके ऊपर रखनी है। एकदम ध्यान से करना, आपका अपना टाइम लेके प्रॉपरली। एक्चुअली इसकी जो केबल है ना वो ऊपर की साइड से होनी है, तो पहले मैं उसको निकाल के थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इस चीज़ का आपने भी ध्यान रखना जब आप खोलते तो केबल किस हिसाब से उसको आपने सेट करके प्रॉपरली देखना है। अभी हम मदरबोर्ड को फिक्स कर देंगे। इसको हमने करके इसके साथ ही हमने जो हिंज है इसको हमने नीचे कर देना है, दोनों साइड के हिंज को ध्यान से करना है, स्क्रीन पे ना प्रेशर पड़े। अभी हम हिंज के जो स्क्रूस है दोनों साइड के दो दो स्क्रूस है उनको टाइट कर लेंगे। इन पे मार्क किया होता है, ये देखिए एरो मार्क किया होता है कहाँ कहाँ पर स्क्रूस लगने हैं, कहाँ पे नहीं लगने वहाँ पे क्रॉस किया होगा। देखिए अभी हमने जो डिस्प्ले केबल है इसे ध्यान से हमने अंदर कनेक्टर में डाल के ऊपर से लॉक कर देना है। आपने ध्यान रखना है इसका लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट हो सकती है केबल। ठीक है, ऐसे ही हमने जो एंटीने की केबल है इसको भी हमने एडजस्ट कर लेना है। ये जो हमारी एंटीने की केबल ये अब ऊपर की तरफ है, इसको भी हमें हिंज को खोल के ही सेट करना पड़ेगा। जब हिंज को ऊपर उठाना तो आप ओपनर की मदद ले सकते हैं, नीचे हाथ रख के फिर ऊपर हिंज को करना है ताकि नीचे स्क्रीन पे प्रेशर ना पड़े। अगर तो एक साइड से एडजस्ट होता तो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों हिंज को ओपन करके फिर आप कर सकते हैं इसको, जैसे कि हमारे केस में भी हमें दोनों साइड की हिंजे को खोल के फिर ही करना पड़ेगा इसे सेट। पहले डिस्प्ले केबल को डिस्कनेक्ट कर देना, फिर हम हिंज को खोलेंगे, हिंज के जो दो स्क्रूस हैं उनको खोलेंगे, फिर हिंज को ऊपर करके फिर ओपनर की मदद से हिंज को ऊपर करके फिर हमने इसका जो टच पैड है इसको थोड़ा अलग करके, ये देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, सिर्फ एंटीने की केबल जो हमारी ऊपर की साइड से ये नीचे वाली साइड से करनी थी बस, हमें इसके लिए भी हमें पूरा हिंज खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो आपका केबल डैमेज हो सकता है या स्क्रीन डैमेज हो सकता है, तो आपने बहुत ध्यान से इसको करना है। अभी हमने हिंज को नीचे करके दोनों साइड से फिर केबल्स और स्क्रूज को कनेक्ट कर लेना है।
जो इनके एंटीने की केबल होती है, ये जैसे फ़ैन के साइड में जैसे लॉक्स बने होते उसमें हमने इंसर्ट करके फिर हमने वाईफाई कार्ड जो बना होता है वहाँ पे हमने फिक्स करना है इसे। एक्चुअली केबल अगर ऐसे ही अंदर घूमती रही तो वो कई बार फ़ैन में भी स्टक कर सकती है जो फ़ैन चलता है। सो हमने ध्यान से जो वाईफाई कार्ड है वहाँ पे मार्क किया होता है ब्लैक और दूसरा वाइट कलर, उस हिसाब से आपने ऊपर रख के जस्ट प्रेस करना है तो वो लॉक हो जाएगा। अभी हमने इसकी जो बैटरी की केबल है इसे स्लाइड करके कनेक्ट कर लेंगे, फिर जो बेस है इसको हम फिक्स कर देंगे इसके ऊपर। जस्ट इसके ऊपर रख के सभी साइड से प्रेस करना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। जैसे जैसे अटैच होंगे आपको उनकी साउंड भी सुनाई देगी। अभी हमने बेस के सभी स्क्रूज़ को टाइट कर लेना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम लैपटॉप को एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका डिस्प्ले आ गया। शुक्रिया।